चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। काम की बात होगी, जो वादा किया वो भी पूरा हो गया, जो नहीं किया जिसकी जरूरत होगी वो चीज मिलेगी। शहर के अंदर अब विकास ही विकास है, अब विकास को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षा पे और पढ़ाई के ऊपर और यहाँ के उनके काम के ऊपर उनको वोट मिलेगा। सीसीए में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं। मैं दर्शकों को बता दूं कि आज 13 मई में नगर पालिका नगर निकाय के चुनाव के नतीजे सामने आए हैं और यहाँ कांधला नगर पालिका से नजबुल इस्लाम जी चुनाव जीत चुके हैं। उन्हीं के समर्थक हमारे आसपास हैं। हम बातचीत करेंगे कि किस तरह की खुशी है, किस तरह के जश्न मनाए जा रहे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर कांधला की जनता ने नजबुल इस्लाम को चेयरमैन बनाया है। जी भाई साहब, बात हो जाएगी थोड़ी सी। क्या नाम भाई? मोहम्मद आदिल। आदिल भाई, नजबुल इस्लाम जी की जीत हुई है, इस पर आप क्या कैसा महसूस बहुत कर रहे हैं? बहुत, ये तो मैं पकड़ बहुत बहुत खुशी है जी। बहुत बहुत यहाँ का माहौल देख के आपको भी लग रहा होगा कि कितनी खुशी हो रही होगी। अच्छे अच्छों को चड्डी चढ़ा दी इन्होंने और पहली बार पहली योजना में इतनी खुशी नसीब से मिलती है। तो काम, जो काम के वादे हुए थे उन वादों पर बात होगी आगे, या जैसे पहले होता है कि वादे तो वादे हो जाते हैं, ऐसे काम की बात होगी? जो वादा किया वो भी पूरा हो गया और जो नहीं किया जिसकी जरूरत होगी वो चीज मिलेगी और हर एक वादा पूरा होगा। ये चेयरमैन नहीं कह रहे, हम कह रहे इस बात को। क्या माहौल का जश्न का माहौल है? नजबुल इस्लाम जी जीत चुके हैं, काम कैसे, वादे कैसे रहेंगे? ईमानदारी का, सच्चाई का जीत हुई। सबसे पहले तो ये शरीफ आदमी है, पैसे वाले आदमी है, खाने की जरूरत नहीं है। शहर के अंदर अब विकास ही विकास है, अब विकास को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या नाम भाई? फैसल है। फैसल भाई, क्या लग रहा है? नजबुल इस्लाम जी चुनाव जीते हैं, किस तरह के वादे रहेंगे? जिन वादों पर बात हुई थी वो काम होंगे? कांधला में विकास होगा? वादे और विकास की बात मैं आपको बताता हूँ। कांधले में अब से पहले न एक अभी चेयरमैन रहे, न पार्षद रहे, कुछ भी नहीं रहे। अब से पहले भी इन लोगों ने काम किया है कांधले के लिए और बहुत काम किया है और इंशाल्लाह आगे भी काम रहेगा और जैसा वादे किए हैं उससे भरपूर काम होगा, उससे ज़्यादा काम होगा कांधले। तो कैसे आप किस क्या उम्मीद कर रहे हैं चेयरमैन? देखिए, उम्मीद कौन सा काम करते हैं, बहुत सारे लोग उम्मीद करते हैं, कर भी रहे हैं। देखिए, काम की बात तो ऐसी है, जैसी जैसी योजनाएं आएंगी कांधले के अंदर वो सब काम यहाँ पे होगा, लागू होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी योजना यहाँ पे आए और यहाँ नहीं हो, वो होगा सब यहाँ पे। क्या नाम आप भाई? मोहम्मद इंतजार है। इंतजार भाई, क्या उम्मीद कर रहे हैं, जीत हासिल हुई है नजबुल इस्लाम जी को? भाई, सपा के प्रत्याशी थे। देखो भाई, हमने तो पहली बार अपनी जिंदगी में इतनी वोटों से जीत देखी है और इंशाल्लाह इसी तरीके से आगे मेहनत होगी और जितना अच्छा काम किया उन्होंने रमजान में, बहुत मेहनत करी। इंशाल्लाह अल्लाह ताला, इंशाल्लाह अल्लाह चाहे ऐसे ही काम होता रहेगा और अच्छा बहुत। आप ऐसे कांधले के विकास की बात होगी, ऐसा कौन सा काम आप चाह रहे चेयरमैन साहब करें आने वाले समय? देखो, इंशाल्लाह सारा काम होगा पर थोड़े धीरे धीरे रफ्ते रफ्ते सब हो जाएगा सही। कांधले में हम भी लोग भी देते हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, नाले अभी कई सारे काम सब हो जाएगा इंशाल्लाह, सब लगे हुए हैं, इंशाल्लाह सब हो जाएगा सही से। जी साहब, क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम अहमद है। अहमद साहब, नजबुल जी चुनाव जीते हैं कांधला नगर पालिका से, क्या उम्मीदें हैं आपको अपने चेयरमैन से? कांधले के लोगों को क्या उम्मीदें हैं आगे? जी माशाल्लाह, हमारे बड़े भाई नजम भाई जीते हैं यहाँ से, लोगों ने बहुत ज़बरदस्त वोट और सपोर्ट दिया है और लोगों के अंदर एक उम्मीद की वो है कि विकास के नाम पे, ईमानदारी के नाम पे इस बार वोट हुआ है। ये पहला चुनाव ऐसा है जिसमें बिरादरी से हट के, मजहब से हट के सब ने मिलजुल कर वोट दिया है और इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि वो काम करेंगे और कांधले की तरक्की करें। कांधला बदलना है। क्या उम्मीदें रख रहे हैं अपने चेयरमैन से? कांधला की जनता क्या उम्मीद रख रही है? इस बार कांधले में पब्लिक ने पहली बार हिंदू मुस्लिम एक होकर हिंदू मुस्लिम ने वोट किया है और एक शिक्षित व्यक्ति को वोट किया है। नजमुल इस्लाम हमारे कांधले में जितने कैंडिडेट थे सबसे पढ़े लिखे आदमी हैं और उनका जो घोषणा पत्र था उसमें भी सबसे पहला जो उनका एम था वो यही था कि शिक्षा पे उन्होंने जोर दिया है। तो शिक्षा पे और पढ़ाई के ऊपर और यहाँ के उनके काम के ऊपर उनको वोट मिला है। हिंदू मुस्लिम ने पहली बार ऐसा हुआ है, हिंदू मुस्लिम एक साथ वोट दिया है और ये यहाँ की राजनीति में
20 साल के बाद ऐसा हुआ है कि जो 2000 प्लस की जीत हुई है, वरना 20 साल से 1000 से अंदर की जीत होती आ रही है, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2000 पार हुई है। इकानले के इतिहास में 20 साल के बाद शायद इस चुनाव में नजमुल जी पहले ऐसे प्रत्याशी थे जिन्होंने एजेंडा दिया कांधला को, क्या उन एजेंडों पर काम होगा आगे? बिल्कुल बिल्कुल उम्मीद है। उन्होंने ये नजमुल इस्लाम साहब बाहर एक कंपनी चलाते थे अफ्रीका में, उसको छोड़ कर आए हैं, इन्हें मैनेजमेंट की क्योंकि पूरे नॉलेज है, तो उसको देखते हुए लगता है कि इन्होंने जो एजेंडा दिया है कि 10 के 10 वादे पूरे होने की पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह, इसीलिए इतनी बड़ी मात्रा में उनको एक साथ वोट पड़ा है। उनके बहुत सारे, जैसे आपने कहा कि शिक्षा पर जोर दिया, उनका एक वादा ये भी था कि पुस्तकालय इस तरह की चीज़ें हो कांधले में, कांधले का विकास हो। हम देखते हैं सड़कों का बुरा हाल है, आगे क्या ऐसी चीज़ आपको, आप सोच सकते हैं कि इस चीज़ें सुधरेगी या किस तरह से होगा? बिल्कुल सुधरने की उम्मीद है। दूसरा यही उनका घोषणा पत्र में पहला एजुकेशन है, दूसरा जो सड़कों के यहाँ बुरे हालात हैं, 20 साल में काम नहीं हुआ है यहाँ पर। अब आप देखेंगे अगले एक साल के बाद आप हमारे पास इंटरव्यू आएगा, आप खुद देखेंगे कांधले चमक रहा है। भाई क्या नाम? कबीर। अभी भाई आपके चुनाव प्रत्याशी जीते हैं जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं, किस तरह क्या आगे? पूरी उम्मीद है जी, काम होंगे कुछ? बिल्कुल होगा। कांधले को कैसे देख रहे हैं, कैसे उसे काम होने चाहिए? कांधले में बिल्कुल बहुत तरक्की आएगी इंशाल्लाह, विकास भी होगा, तरक्की। जिस हिसाब से इन्होंने जीतने से पहले भी बहुत कुछ करा है, ऐसा कुछ नहीं, जब जीतने से पहले इतना कुछ करा है तो जीतने के बाद क्या करेंगे? बहुत कुछ होगा इंशाल्लाह। आप जनता के लिए क्या चाहते हैं, ऐसा कोई एक काम जो सबके काम आए, जैसे कांधले में ऐसी कोई ऐसी चीज बने या ऐसी व्यवस्था हो? कांधले में एक तो अस्पताल इंशाल्लाह पहले भी था, लेकिन वो अब के और अच्छी उम्मीद है अस्पताल की और स्कूल गार्डन की। गार्डन पार्क की बात आई, आपका क्या नाम? जी कैफ। बढ़िया बोलते हैं भाई जी। कांधला में सपा प्रत्याशी की जीत हुई है, नजमुल जी चुनाव जीते हैं जी, क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने चेयरमैन से? उम्मीद कर रहे हैं जी, इंशाल्लाह एक नया कांधला देंगे, एक अच्छा कांधला देंगे, चारों तरफ तालीम होगी, नया कांधला होगा, ये सड़कें जैसे कि बारिश होती है पानी भर जाता है, एक नई सड़कें बनेगी, विकास होगा कांधले का। जिला शामली के हम कस्बा कांधला में थे और हमने लोगों ने यहाँ पे बातचीत की लोगों से, जो सपा प्रत्याशी नजमुल इस्लाम जी है, पब्लिक का कहना है कि इस बार काम होगा, विकास होगा। जुड़े रहे सीसीए से, उत्तर प्रदेश तक आपको खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।